कपिल नगर थाने के तहत एक गुंडे की पत्थर से कुचलकर आरोपियों ने हत्या की थी। घटनास्थल से आरोपी फरार थे। आखिरकार कपिल नगर पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। कपिल नगर थाने के तहत आवले नगर में एक युवक ने उसे धमकाने वाले अपराधी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। यह वारदात गुरुवार दोपहर हुई। पुलिस ने मानव नगर निवासी आरोपी राकेश पाटिल को गिरफ्तार किया है। मृतक आवले नगर निवासी शैलेश देशभ्रतार है। कपिल नगर में 4 दिनों के भीतर हत्या की दूसरी जबकि शहर में तीसरी वारदात होने से नागरिकों में दहशत मची हुई है। शैलेश पुराना अपराधी था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। इस वजह से वह लोगों को दबंगई बताता रहता था। राकेश से उसकी पहचान थी। दोनों ने दोपहर 3:30 बजे आवले नगर की देसी शराब दुकान से शराब खरीदी। खाली प्लॉट पर बैठकर शराब पीने लगे। इसी बीच शैलेश मारपीट करके राकेश को धमकाने लगा। शैलेश हत्या करने की धमकी देने लगा। इसी बीच नशा अधिक होने से शैलेश सो गया। यह देखकर राकेश ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। 4 दिनों के भीतर हत्या की यह दूसरी वारदात है। रविवार की रात तड़ीपार दीपक उर्फ गोलू राजपूत की उसके ही साथी तुषार गजबिये और प्रेमचंद उर्फ टोनी मारोदकर ने हत्या कर दी थी। एक कॉल आया कि आवड़े नगर नारी रोड टीका नाके के पास एक इसम का कुछ मर्डर हो गया करके, और वो उसकी बॉडी पड़ी है करके उधर। तो हम ताबड़तोब उधर स्पॉट पर पहुँचे। स्टाफ भी मेरे पहुँच गया और हम उधर पहुँच के ये किए तो उधर हमको एक मृतक इसम जो है शैलेश बालाजी देशभ्रतार, उम्र है उसकी 30 साल, वो लहू लुहाने के वो उस जगह पे पड़ा हुआ था। तो हमने देखा कि उस जगह पे फिर हम वहाँ पे एक पत्थर भी पड़ा हुआ था जहाँ पे थोड़ा सा उसका ब्लड वगैरह उस पर रखा हुआ था करके। तो हमने आजू बाजू में पूछा और हमारे रिलायबल सोर्स के हिसाब से कुछ हमको पता चला, तो हमने एक आरोपी को उसके ताबे में लिया, हमने कस्टडी में लिया हमारे पूछताछ करने के लिए। फिर जो भी प्रोसीजर था हमारा हमने पूरे किया, आयकर वगैरह बुलाई, सब कुछ किया, ऑन द स्पॉट पंचनामा किया, उसमें सरकारी पंच वगैरह वापरे हमने पूरे करके हमने वो किया। तो इन मीनवाइल फिर हमने जिस आदमी को लिया था हमने उसको इंट्रोगेशन किया और रात में हमने उसको अरेस्ट किया। तो जब हमने उसको पूछा तो कोई कारण बड़ा नहीं था। दोनों ये जो मृतक था और जो आरोपी है ये एक दूसरे को हम 3 से 4 साल से जानते थे। तो और ये दारू साथ में बैठ के पानी दारू पीते थे, सब करते थे। मृतक जो था कि 1 साल से कुछ भी काम धंधा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। और ये भी जो आरोपी है वो कुछ जिधर मिला उधर पेंडिंग का काम करता था ये, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, 4:15-4:30 के करीब इन्होंने अलग अलग जगह से दारू पिया और फिर ये एक दूसरे को मिले। तो ये ऐसे मतलब कि एक दूसरे को बोल रहे थे कि तू मेरे को मारेगा या मैं तेरे को मारूँ करके, ऐसा ऐसा चल रहा था इनका आपस में थोड़ा सा। फिर बाद में स्पॉट पे आया तो फिर उसका बोलना ऐसा है कि वो जैसा वो स्पॉट पे गए तो फिर उसने ने वो जगह पे गया था, वो जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई जैसा मृतक है तो वहाँ पे वो लेटा हुआ था। तो इसने फिर जो बड़ा पत्थर वहाँ पड़ा था उसके सर पे उसमें डाल के उसको उसका मर्डर किया। बुधवार की रात भी अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। हाल ही में कुछ समय से कपिल नगर में अपराधी सिर उठाने लगे हैं। कपिल नगर थाने से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।